अब आपके शहर नवगछिया में पहली बार फ्लैक्स बैनर प्रिंट हाथों हाथ पाए। फ्लैक्स प्रिंट, लाइट बोर्ड, रेडियम बोर्ड, नेम प्लेट, नंबर प्लेट, ग्रेनाइट मार्बल पत्थर पर खुदाई के लिए संपर्क करें विनायक आर्ट, गौशाला रोड, पुरानी गैस ऑफिस के सामने, नवगछिया। मोबाइल 7295-830-773-9403-67-170। नमस्कार, मैं अनु सिंह और आप देख रहे हैं जीएस न्यूज। आइए देखते हैं बिहार की बड़ी खबरें। बिहार में मिले कोरोना के 1860 नए मामले, इसके साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर हुई 128,805। बिहार में वैश्विक महामारी कोरोना का प्रकोप काफी तेजी से बढ़ रहा है। प्रत्येक दिन हजारों की तादाद में मरीजों की संख्या सामने आ रही है। देखते ही देखते पूरा बिहार इसकी चपेट में आ चुका है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से ताजा अपडेट जारी की गई है। इस अपडेट के मुताबिक बिहार में 1860 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले, इसके साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 128,850 हो गई है। बिहार में फिलहाल 21,431 कोरोना के एक्टिव मरीज हैं। राजधानी पटना में सड़क की खस्ताहाली और बिजली को लेकर जनहित याचिका पर हाईकोर्ट की नोटिस। बिहार की राजधानी पटना में सड़क की खस्ताहाली और बिजली के खंभे नहीं गाड़े जाने के मामले में पटना हाईकोर्ट ने पटना नगर निगम सहित साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी तथा नगर परिषद को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। कोर्ट ने 2 सप्ताह के भीतर जवाबी हलफनामा दायर कर स्थिति स्पष्ट करने का आदेश दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में अरबों रुपए की जलापूर्ति सीवर योजना का जल्द ही उद्घाटन करेंगे। बिहार में जलापूर्ति और सीवर से जुड़ी अरबों रुपए की परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास की तैयारी है। यह परियोजनाएं केंद्र की नमामि गंगे और अमृत योजना से जुड़ी है। इसमें पटना के बेउड़ और कर्मलीचक सीवर ट्रीटमेंट प्लांट के अलावा सिवान, छपरा, मुंगेर, जमालपुर, मुजफ्फरपुर से जुड़ी परियोजनाएँ भी शामिल हैं। इसका उद्घाटन और शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों कराए जाने की तैयारी चल रही है। खबर है कि परियोजनाओं का ब्यौरा भी प्रधानमंत्री कार्यालय को भेजा गया है ताकि उनसे समय लिया जा सके। भागलपुर में कैदियों को घर का सूखा नाश्ता मुलाकातें बंद होने से नहीं पहुंच रहा, जेल गेट से रोज लौट रहे हैं स्वजन। भागलपुर में मुलाकाती व्यवस्था बंद होने के कारण कैदियों को घरों से आने वाला सूखा नाश्ता नहीं मिल पा रहा है। ऐसी स्थिति में उन्हें जेल की कैंटीन में मिलने वाले समोसा और लौंगलता से काम चलाना पड़ रहा है। ग्रामीण क्षेत्र से आने वाले परिजन जेल गेट के पास से रोज लौटते हैं। उन्हें ई मुलाकात के कायदे पता नहीं होता। घरों से चूड़ा, मूंगफली, चना, चावल का भूजा, ठेकवा, नमक पारा आदि लेकर आने वाले परिजन रोज लौट रहे हैं। शहीद जुब्बा सहनी केंद्रीय काड़ा, विशेष केंद्रीय काड़ा और महिला मंडल काड़ा में बंद कैदियों को घर से सूखे नाश्ते का नहीं आना अखरने लगा है। भागलपुर में सिटी कॉलेज व पीएनए साइंस कॉलेज बाढ़ की चपेट में। भागलपुर में टीएनबीयू के 2 संबंध महाविद्यालय बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। विश्वविद्यालय के पीछे स्थित सिटी कॉलेज और पीएनए साइंस कॉलेज बाढ़ के पानी से बुरी तरह से घिर गए हैं। सिटी कॉलेज को इस वजह से बंद करना पड़ा, जबकि पीएनए साइंस कॉलेज में भी पानी प्रवेश कर गया है। दोनों कॉलेजों का कार्य अन्य जगह पर किया जा रहा है। भागलपुर में 30 सितंबर से होगी बीएड प्रथम वर्ष की परीक्षा। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय यानी कि टीएमवीयू ने बीएड सत्र 2019-21 के प्रथम वर्ष का परीक्षा का कार्यक्रम जारी कर दिया है। परीक्षा विभाग ने बुधवार को कुलपति के निर्देश के बाद कार्यक्रम जारी किया है। सभी बीएड कॉलेजों को इसकी सूचना भेज दी गई है। परीक्षाएँ सुबह 11 बजे से शुरू होगी। परीक्षा केंद्र की सूचना बाद में जारी की जाएगी। बिहार सरकार ने समझा बेकार, 50 साल पार करने वाले पुलिस कर्मियों को छंटनी की प्रक्रिया शुरू। बिहार पुलिस में अगर आप काम करते हैं और आपकी उम्र 50 साल पार कर गई है तो बिहार सरकार की नज़र में आप बेकार है। जी हां, यदि आपकी उम्र 50 साल है तो छंटनी की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। इस आदेश के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गई है। सरकार के आदेश का बिहार पुलिस एसोसिएशन ने विरोध किया है। नीतीश सरकार का बड़ा फैसला, चुनाव से पहले शिक्षा सेवा के अधिकारी अब बिना बीएड वाले भी बन सकेंगे। बिहार सरकार ने विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा फैसला किया है। अब बिहार शिक्षा सेवा के अधिकारियों के लिए बीएड की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है। इसके अलावा बिहार शिक्षा सेवा नियमावली में भी संशोधन किया गया है। भागलपुर में चाइनीज खिलौनों 2 करोड़ का डंप, पहुँच नहीं रहे खरीदार, लोग क्यों तौबा कर रहे।
भागलपुर के गलवान घाटी की घटना को हुए करीब 2.5 महीने हो गए हैं। भारत चीन के बीच अभी भी तनाव की स्थिति है। सिल्क सिटी के लोग भी चीन की करतूत से खफा है, चीन की कायरता को भूल नहीं पा रहे हैं। चीन को लेकर शहरवासियों का आक्रोश अभी पहले की तरह ही है और अब गुस्सा चीन निर्मित सामान को बहिष्कार कर उतार रहे हैं। लॉकडाउन में दुकानें तो खुल गई लेकिन लोग चीन में बने उत्पाद को खरीदने से परहेज कर रहे हैं। हाल यह है कि यहाँ के चाइना मिनी मार्केट में 2 से 2.5 करोड़ का चाइनीज सामान डंप है। भागलपुर के जगदीशपुर थाना क्षेत्र में बालू के अवैध खनन का खेल नहीं थम रहा। पुलिस की नाक के नीचे यह गौड़क धंधा लंबे समय से फल फूल रहा है। प्रतिबंधित टहसूर और सैदपुर घाट से खनन कर रोज बालू से लदी ट्रैक्टर ट्रॉलियां निकलती है लेकिन खनन विभाग और पुलिस अनजान बनी रहती है। अवैध बालू भागलपुर के अलावा आसपास के जिलों में भेजी जाती है। ट्रैक्टर से ट्रकों पर बालू लोड कर जिले से बाहर भेजी जाती है। अब कतरनी की धरती पर मखाने का आगाज। कतरनी के उत्पादक के लिए प्रसिद्ध भागलपुर जिले में अब मखाने की खेती करने की योजना है। कोरोना काल में मखाने की मांग में बढ़ोतरी हुई है। इसे देखते हुए बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर मखाने की खेती को बढ़ावा देने की योजना बना रहे हैं। कहलगांव के करीब 10 किसान इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। रघुवंश रमा सिंह को ले आरजेडी में घमासान। तेजस्वी के सामने लगे मुर्दाबाद के नारे। विधानसभा चुनाव को देखते हुए बिहार में सियासी सरगर्मी परवान पर है। इस बीच राष्ट्रीय जनता दल का सियासी ड्रामा भी जारी है। पार्टी में रमा सिंह की एंट्री के मामले में घमासान मचा है। रमा सिंह की पार्टी में एंट्री को लेकर आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव के संकट मोचन रहे हैं। रघुवंश प्रसाद सिंह नाराज है। लालू के बेटे तेज प्रताप यादव ने उन्हें पार्टी के समंदर में एक लोटा पानी कहा है और उनकी औकात बता दी है। खुद रमा सिंह ने भी रघुवंश के खिलाफ बयान दे दिया है। जीतन राम मांझी ने सीएम नीतीश से की मुलाकात। एनडीए में जाने को लेकर 30 अगस्त तक पिक्चर होगी साफ। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले महागठबंधन को बड़ा झटका लगा है। गठबंधन से हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के बाहर होने के तमाम अटकलों पर विराम लगता दिख रहा है। हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने गुरुवार को मुख्यमंत्री आवास पहुंचकर नीतीश कुमार से मुलाकात की। इस अहम मुलाकात के बाद माना जा रहा है कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में शामिल उनका होना लगभग तय है। हालांकि नीतीश से मुलाकात के बाद मांझी ने कहा है कि आज हमारे बीच कोई राजनीतिक बात नहीं हुई है, हमने कोई भी राजनीतिक बात नहीं की है, अपने क्षेत्र के मुद्दे को लेकर मुख्यमंत्री से बात हमने की है। जब पत्रकारों ने उनके एनडीए में शामिल होने की बात पूछी तो उन्होंने कहा कि 30 अगस्त को पूरी पिक्चर साफ हो जाएगी। पश्चिमी चंपारण में शराब धंधेबाजी के खिलाफ छापेमारी करने गई पुलिस टीम पर हमला। पश्चिमी चंपारण बेतिया नगर क्षेत्र के अंबेडकर नगर में गुरुवार की दोपहर शराब धंधेबाजों के खिलाफ छापेमारी करने गई पुलिस टीम पर लोगों ने हमला बोल दिया। हमलावरों ने जमकर पत्थरबाजी की, पुलिस वाहन को भी क्षति पहुंचाई, पुलिस से हथियार छीनने की भी कोशिश की। भागकर पुलिस जवानों ने जान बचाई। इस घटना में किसी को भी गंभीर चोट नहीं आई है। सुशांत के पिता ने कहा, हत्यारिन है रिया, मेरे बेटे को जहर पिलाया करती थी। दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के पिता केके सिंह ने पहली बार रिया चक्रवर्ती पर खुलकर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि रिया चक्रवर्ती मेरे बेटे की हत्यारिन है। आपको बता दें कि बुधवार को सुशांत के पिता के अधिवक्ता विकास सिंह ने अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती द्वारा सुशांत को प्रतिबंधित ड्रग्स दिए जाने की आशंका जताई थी। वरिष्ठ अधिवक्ता ने कहा कि ऐसा लग रहा है कि रिया चक्रवर्ती ने सुशांत को बिना उसकी जानकारी के प्रतिबंधित ड्रग दिया करती थी ताकि उसके दिमाग को नियंत्रित करके उसके साथ मनमानी कर सके। बस एक फोन घुमाओ, घर पर सामान पाओ। अब बाजार जाकर ही राशन खरीदने की क्या है जरूरत, जब ओए मार्ट है आपके लिए तैयार। ओए मार्ट के मोबाइल ऐप या वेबसाइट से खुलकर खरीदारी और पाए होम डिलीवरी। घरेलू सामान की डिलीवरी नवगछिया अनुमंडल के किसी भी क्षेत्र में। संपर्क करें 8340371787 7325052437। लालू प्रसाद से मिले तेज प्रताप यादव कोरोना रिपोर्ट निगेटिव आने के बाद
बिहार के पूर्व मंत्री और राष्ट्रीय जनता दल यानी कि राजद के विधायक तेज प्रताप यादव अपने पिता लालू प्रसाद से मिलने के लिए गुरुवार देर रात रांची पहुंचे। गुरुवार को अपने पिता से मुलाकात कर नेडिम्स निदेशक बंगला पहुंचे, लेकिन वहां उनकी पहले कोरोना की जांच की गई और रिपोर्ट निगेटिव आने के बाद ही उन्हें अंदर जाने की इजाजत गुरुवार को करीब 1:35 पर दी गई। खर्च पर नजर, नेताओं की हवाई उड़ान पर आयोग ने मांगी रिपोर्ट, देश की 97 विमान कंपनियों से रेट लिस्ट तलब। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटे चुनाव आयोग ने देश के 97 विमान कंपनियों से रेट लिस्ट तलब किया है। इस रेट लिस्ट के सहारे आयोग उम्मीदवार व दलों के स्टार प्रचारकों की हवाई उड़ान का हिसाब रखेगा। उम्मीदवार या कोई दल अपने हवाई उड़ान के खर्च का ब्यौरा चुनाव आयोग से नहीं छुपा पाएगा। खबर में आगे बढ़े उससे पहले आज का फास्ट जीएस रिप्लाई का सवाल आ रहा है, तो तैयार हो जाइए कमेंट बॉक्स में अपना जवाब देने के लिए। तो सवाल ये रहा आपके मोबाइल स्क्रीन पर, दांडी यात्रा कब हुआ था? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए 19 अप्रैल 1930, ऑप्शन बी 14 अप्रैल 1930, ऑप्शन सी 19 मार्च 1950 और ऑप्शन डी 12 मार्च 1930। उम्मीद है आप लोग सभी अपना जवाब कमेंट बॉक्स में लिख दिए होंगे अपने नाम और मोबाइल नंबर के साथ। अगर आपको लगता है कि आपका जवाब सही है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाएं ताकि कल के क्विज में आप लोग सबसे पहले जवाब दे सकें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगली खबर। कुर्सेला में नदी का कटाव तेज। कुर्सेला प्रखंड में गंगा एवं कोसी नदी के जलस्तर में कमी होने के बाद नदी किनारे के क्षेत्र में कटाव तेज हो गया है। प्रखंड के पत्थर टोला, खेरिया मंडल टोला, तीन घड़िया एवं जरलाही व गुमटी टोला में कटाव तेज हो गया है। नदी के कटाव को देखते हुए आसपास के ग्रामीणों ने बाढ़ प्रमंडल विभाग के अभियंताओं को इसकी जानकारी दी। मिली जानकारी के बाद अभियंताओं की टीम ने कटाव स्थल का जायजा लिया और संबंधित कनीय अभियंता सहित अन्य लोगों को बाढ़ संघर्षात्मक कार्य तेज करने का निर्देश दिया। सनद रहे कि कटाव कार्य को लेकर लोजपा नेता मृत्युंजय कुमार सिंह उर्फ फूल सिंह ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान एवं राज्य के मुख्यमंत्री को इसके बचाव के लिए पत्र दिया है। सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के लिए बना डीपीआर शिलान्यास भी हुआ पर नहीं शुरू हुआ कार्य। भागलपुर के साहेबगंज में नमामि गंगे योजना के तहत 254.13 करोड़ की लागत से सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण होना है। छपरा से तत्कालीन केंद्रीय मंत्री जल संसाधन नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्री नितिन गडकरी ने 28 फरवरी 2019 को रिमोट से शिलान्यास किया था। लोकसभा चुनाव से पहले आनन फानन में केंद्रीय मंत्री से उद्घाटन कराया गया, लेकिन 1.5 वर्ष बाद भी साहेबगंज में ट्रीटमेंट प्लांट में कार्य शुरू नहीं हुआ, निविदा की प्रक्रिया में उलझ कर रह गए। अब आपके शहर नवगछिया में पहली बार फ्लैक्स बैनर प्रिंट हाथों हाथ पाए। फ्लैक्स प्रिंट, लाइट बोर्ड, रेडियम बोर्ड, नेम प्लेट, नंबर प्लेट, ग्रेनाइट मार्बल पत्थर पर खुदाई के लिए संपर्क करें विनायक आर्ट, गौशाला रोड, पुरानी गैस ऑफिस के सामने, नवगछिया। मोबाइल 72 95 830 773, 93 043 67 170। बस एक फोन घुमाओ, घर पर सामान पाओ, अब बाजार जाकर ही राशन खरीदने की क्या है जरूरत, जब ओई मार्ट है आपके लिए तैयार। ओई मार्ट के मोबाइल ऐप या वेबसाइट से खुलकर खरीदारी और पाएं होम डिलीवरी, घरेलू सामान की डिलीवरी नवगछिया अनुमंडल के किसी भी क्षेत्र में। संपर्क करें 8340371787, 7325052437।